ये काम भी जल्दी से ही हो जाएगा। उसको मैं रोज़ ही अपने सिंक को रब कर देती हूँ, तो इससे ये होता है कि ज़्यादा क्लीन रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो खारा पानी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा धब्बे रह जाते हैं खारे पानी से। और डेली बेसिस पे ही सारे काम हो रहे होते हैं मेरे। अब मैं कर लूँगी ये स्टोव अपना बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। ये भी डेली बेसिस का काम है, तो क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर चिकनाई वगैरह रह जाती है, तो पहले मैं उसको जो होती हूँ वो स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है कपड़ा साफ लेके उससे क्लीन कर लेती हूँ। ये इस स्पाइसेस का जो मेरा एरिया है वो भी मैं डेली बेसिस पर ही करती हूँ। आज मैंने भिगो दिया था लोबिया और लाल लोबिया और चावल, और अभी शरान को मैंने पढ़ने बिठा दिए। अभी बजे हैं 9, और 9 बजे मैं इसको पढ़ने थोड़ी देर बिठा देती हूँ, क्योंकि समर वेकेशन है तो ये घर पे ही होते हैं अभी, तो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं वो। और ये यहाँ थोड़ा रैक ये खाली था, इसके ग्लास टूट गए थे, तो मैंने यहाँ नए जो है वो अरेंज कर दिए ग्लास। ये एरिया मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर वो कचरा वगैरह नहीं होता। ये मम्मा का रूम है, अभी वो गई नहीं है, काम से थोड़ा गई हैं, तो उनके रूम में सिर्फ तकिए ही नीचे आपको मिलेंगे फर्श पे, क्योंकि वो कभी नीचे फर्श पे लेटती हैं और कभी ऊपर बेड पे सो जाती हैं, तो उनका रूम भी जो है वो जल्दी जल्दी साफ़ मैंने कर दिया, ताकि उनके आने से पहले जो है वो सारे काम निमट जाए। घर मेरा हो चुका है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और मैंने इवनिंग में ही जो है वो झाड़ू वगैरह दे रही थी, तो अभी मैंने चीज़ें सेट कर दी हैं और मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब शरान को थोड़ा भी पढ़ाना होता है सुबह, तो इतना ज़्यादा मैं क्लीनिंग का काम नहीं छेड़ती हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, अभी हो गए हैं 9:30, और 9:30 बजे करीब मैं खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है और इधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चल रहा है, तो ये है कि हम मैं जो हूँ इसी टाइम खाना बना के रख देती हूँ, ताकि जिस जिसको भूख लगे वो खाना खा ले, क्योंकि 7 बजे नाश्ता होता है, तो इस तरह होता है कि हम लोग 12 बजे तक जो है वो दोपहर का खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आराम करते हैं और फिर अपने दूसरे कोई काम हो या किसी को पढ़ना हो तो वो अपना काम वगैरह कर सकता है दोपहर के अंदर। लोबिया के लिए मैंने 4 से 5 प्याज़ें ली थी, उनको जो है मैंने चॉप कर दिया था, इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है, इनको मैं ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लूँगी। और 2 मैंने टमाटर लिए थे, वो भी मैंने ब्लेंडर में ही डाल के इसको पेस्ट का बना लिया था। एक पैन में जो है वो ऑयल डाल देंगे, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, इसमें डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ता, और इसके अंदर डाल दूंगी मैं ज़ीरा, इसमें मैं डाल दूंगी वो पेस्ट जो मैंने बनाया था प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का, इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और मिर्ची डाल दी है, बस यही मसाला इसमें ऐड होगा, और इसको मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ अभी। मसाला मेरा बिल्कुल भून चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी लोबिया, इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी लोबिया को, और इसमें मैं जो हूँ अब 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी।
ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और मैं साथ ही साथ चावल बॉईल कर लूँगी। लोबिया हो चुका है बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं, और चावल भी मेरे बिल्कुल बन चुके हैं। किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।